नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब बात करते हैं आर्टिकल 120 की। आर्टिकल 120 क्या कहते हैं? आर्टिकल 120 कहता है कि संसद में कौन सी भाषा का उपयोग करना होगा, संसद में कौन सी भाषा उपयोग होती है ना। संसद में दो भाषाओं का उपयोग होता है, एक पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश। लेकिन संसद जो है हमारी कई भाषाओं में चलती है। जो हमारा ABI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर होता है, उसमें 17 भाषाओं का उपयोग होता है। वो आपको हमने जब पेपर था फरवरी में आर इंडिया बार काउंसिल का, उसमें हमने बताया था वो 17 भाषाएं कौन सी हैं। जो अगर वो 17 भाषाएं जानना है आपको, तो आप हमारे YouTube चैनल की लिस्ट में जाएं, वहाँ सारे वीडियो अपलोड हैं, उसमें से चेक करें। AIBE के नाम से होगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम के नाम से, वहाँ 17 भाषाओं में पेपर होता है, उसकी जानकारी वहाँ पर दी हुई है। अब जानते हैं आर्टिकल 120, संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। संसद में आर्टिकल 348 को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब देखते हुए, दो भाषाओं का प्रयोग होता है, हिंदी एवं इंग्लिश। लेकिन संसद में तो 545 सदस्य होते हैं, उसमें कोई मद्रास से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, सबकी अलग अलग भाषाएँ होती हैं। तभी क्या हुआ कि वहाँ पर बड़ी डिबेट हो गई। वैसे तो सिर्फ संसद की हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, तो वहाँ कहा गया कि हिंदी में वो भाषाओं का उपयोग होना ज़रूरी है और संसद में सारी भाषाएं हिंदी में बोली जाएंगी। बड़ी समस्या भाई साहब, क्योंकि वहाँ हिंदी और इंग्लिश बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया समझना। सांसद वगैरह जानते हैं, वो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे। कोई हिंदी, कोई मद्रासी तमिल में बोलेगा तो संसद कैसे चलेगी। फिर उस समय कुछ कंडीशन बनाई गई। वो कंडीशन क्या थी? जब संविधान जब लागू हुआ 1950 में, तब वहाँ एक टिप्पणी की गई कि 15 साल बाद इंग्लिश को ख़त्म कर दिया जाएगा। 15 साल बाद इंग्लिश भाषा को ख़त्म कर दिया जाएगा। और 15 साल कब पूरे हुए? 1965 में हिंदी में ही पूरा शपथ ग्रहण वगैरह सब हिंदी में ही होगा। लेकिन किसी कारणवश वह चीज़ विफल हो गई, है ना। अच्छा हुआ विफल हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी समझ ही नहीं पाते। इंग्लिश शब्द ऐसा है कि इंग्लिश जो है नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सबकी अलग अलग भाषा है, लेकिन इंग्लिश लगभग सारे लोग समझ जाते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही अभी तक चलती आ रही हैं। 1965 में नहीं बंद हो पाया इंग्लिश भाषा का, वहाँ पे जो बोलने का तरीका था, और हिंदी भाषा में वहाँ सब कुछ चलता है, इंग्लिश भाषा में चलता है, लेकिन वहाँ पर ट्रांसलेट कर लिया जाता है। ट्रांसलेट करने का ऑप्शन भी दिखाते हैं आपको। तो आर्टिकल 348 को मद्देनज़र रखते हुए दो भाषाएं हिंदी इंग्लिश बोली जाएंगी। जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष जो होगा, उसकी स्वीकृति पाने के बाद वो बोल देगा कि भाई साहब, आप तुम जब नहीं जानते हो तो आप अपनी तमिल भाषा में बोल सकते हो या मद्रासी भाषा में बोल सकते हो। वैसे दो ही भाषा प्रोविजन है वहाँ पर, राइट्स हैं हिंदी इंग्लिश। लेकिन कोई तमिलनाडु से हिंदी नहीं बोल रहा, इंग्लिश नहीं बोल रहा, वहाँ टिप्पणी चर्चा चल रही है, वो ऐसे बैठा है, अच्छा ऐसे बैठा है वहाँ पर संसद में, साला क्या बोल रहा है यार, ये समझ में ही नहीं आ रहा, उसे मेंटली डिस्टर्ब हो गया भाषा सुन के। तब अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय, आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, बोल सकते हैं ना, हाँ हाँ। तब अध्यक्ष जी के कहने पर, ये लिखा, अध्यक्ष के कहने पर सांसद अपनी भाषा में वहाँ बोल सकता है। फिर अध्यक्ष जी उसे ट्रांसलेट करके समझें या कैसे समझें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि वहाँ पर यह भी लिखा है, अध्यक्ष जी के कहने पर वो अपनी भाषा में बोल सकता है, फिर अध्यक्ष जी ट्रांसलेट करके सबको बता देंगे, है ना। तो आर्टिकल 120 में सांसद जो होंगे वो अपनी अपनी भाषा में बोल सकते हैं, और आर्टिकल 348 को मद्देनज़र रखते हैं, सिर्फ दो भाषा का वहाँ पे बोलने का राइट्स है, हिंदी इंग्लिश। और अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अध्यक्ष के कहने पर वह व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोल सकता है। 1950 में संविधान बना, उसमें लिखा था 15 साल बाद इंग्लिश भाषा को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन 1965 तक वह भाषा ख़त्म नहीं हो पाई, इसीलिए भारतीय संविधान में अभी तक हिंदी एवं इंग्लिश संसद में भाषा बोली जाती है, ये आर्टिकल 120 के अंतर्गत कहता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर आर्टिकल 121 के साथ। धन्यवाद।